और ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो के प्राण प्यारी, जिनका रूप ऐसो कि दीठ होना ठहरात कैसे कहने हारी है। लाल जी को कभी संतोष क्यों नहीं होता प्रिया जी का दर्शन करके, या फिर ऐसा कहो कि जैसे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, न आदि न अंत विलास करें दो और लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। आज तक प्रिया और प्रियतम में पहचान भी नहीं हुई। प्रियतम जब जब प्रिया जी की ओर देखते हैं तब तब लगता है पहली बार देखा है। जब जब देखो तेरो मुख प्यारी तब तब नयो नयो लागता। क्यों? क्योंकि दीठ हूं ना ठहरा। प्रिया जी के श्रीमुख पर लाल जी की दृष्टि नहीं ठहरती, किसी की नहीं ठहरती। दीठ हूं ना ठहरात कैसे के निहारी है, फिर उनको निहारा कैसे जाए। और जाकी परछाई पे कोटि कोटि चंद और दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि वारी। बड़ी एक सुंदर सी भाव दशा लाल जी की ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि चित्त चंचल जो कहंत, बोले जो अपनी चंचलता के लिए तीन लोक 14 भुवन में विख्यात है, फंद सरकावत फिरत दिन चित चंचल जो कहंत और फंदेओ जो कुंतल विकट लट टक टक मुख जो वंत। बोले जो अपनी चंचलता के लिए तीन लोक 14 भुवन में विख्यात है, जिसको जिसको किसी के काम नहीं है, जो माता पिता तक का नाता नहीं मानता, जिसको कोई नहीं मान सकता, जो यशोदा मैया को भी एक क्षण तो वात्सल्य रस का पान कराता है और अगले ही क्षण मुख में ब्रह्मांड दिखाकर भयभीत भी कर देता है। और बोले वो यहां कैसे बंधा है, अति गजमत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पास। बोले बांधने के लिए कोई सुदृढ़ श्रृंखला या कोई सुदृढ़ रस्सी नहीं है, बस प्रिया जी की लटकी पास में बंधे हैं। और अभी पंगु भई मन की गति बिन उद्यम अनियास। अभी तो प्रिया जी ने इनको रिझाने का, अभी तो प्रिया जी ने क्या होता है कि एक रूप होता है और एक लावण्य होता है। यदि रूपवान व्यक्ति को चलना फिरना उठना बैठना सजना संवरना ये भी आ जाए तो फिर तो रूप का कहना ही क्या। रूप अपने आप में भी आकर्षण करने के लिए पर्याप्त है, पर यदि रूप को अलंकार और मिल जाए, रूप को लावण्य और मिल जाए, रूप को सौष्ठव और मिल जाए, जैसे कोई शायर कहता है, बोले जमाना लुट गया कातिल तेरी सीधी निगाहों से, खुदा ना खास्ता तिरछी नजर होती तो क्या होता। अभी तो बिहारी जी के दर्शन नहीं होते, किसे पूछो क्या देखा तो बोले बस दूर से दो मोटे मोटे नैन दिखते, तो ही ये हाल है। और खुदा ना खास्ता तिरछी नजर होती तो जाने क्या होता। और अभी पंगु भई मन की गति बिन उद्यम अनियास, और तब की कहा कहो जब चाहत पिए पति भ्रिकुटी विलास। और कभी प्रिया जी लाल जी की ओर नेक प्रयास करके रिझाने का कटाक्ष से शर्पात कर दे, बोली तब की स्थिति का तो चिंतन मन बुद्धि से नहीं हो सकता, मेरी मन बुद्धि से, महाप्रभु की, मेरी नहीं। वंशी कह रही है, बोले मेरा मन बुद्धि उस भाव का स्पर्श नहीं करता कि जब ये सुकुमारी किंचित प्रयास करके इनकी ओर देख लेंगी। यस्या कटाक्ष शर्पात विमूर्छितस्ते, जिनके कटाक्ष शर्पात का प्रभाव मैंने देखा है, मोर मुकुट खिसक जाता है, वंशी हाथ से छूट जाती है। ठाकुर जी कोई प्रयास करके दीन थोड़े हुए प्रिया जी के चरणों में, प्रिया जी का रूप वैभव ऐसा है। बांध लिया लाल जी को बिना उद्यम अनियास अनायास, कैसी महाप्रभु की बोलन है, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर तीन लोक 14 भुवन के ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं होते तो सबसे बड़े, ये सबसे बड़े हैं, इनसे बड़ा और कोई नहीं है। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर और जाकी भ्रू विलास वस पसुरी। और कोई शब्द नहीं मिला महाप्रभु जी को कहने के लिए, पसुरी। हालांकि महाप्रभु की वाणी का जो सौष्ठव है वो अपूर्व है, अनुपम, उसकी किसी से कोई तुलना नहीं है। तभी श्री व्यास जी कहते हैं कोटि कोटि जय देव सरीखे कहत सुनत न अघाने पैनी छवि को न बखाने।
अर्थात उस अनिर्वचनीय को अगर किसी ने वाणी से प्रकट किया है तो वो हिताचार्य चरण की वाणी है। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी, नागरता की राशि किशोरी नव नागर कुल मौली सांवरो बरवस की उचित है मुख मोरी। केवल लाल जी की ओर एक बार देखा है सहज दृष्टि से, जैसे आप चलते चलते किसी को सहज देख लें, बिना उद्यम अनियास केवल एक दृष्टिपात किया है। और नव नागर कुल मौली सांवरो, और वो भी किसी साधारण को नहीं, जो नागर शिरोमणि है, सुख सागर नागर गुरु, जो नागरों के गुरु हैं, उनको कैसे मोहित किया है। बस बरबस कियो चितय मुख मोरी, कि बस कृपा कर दी, एक बार चलते चलते तुम्हारी ओर भी देख लिया। जैसा वो लोग गाते हैं, बोले हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात, हमने तो आपसे हंसकर यूं ही दो बात कर ली, और आप तो हमारे घर बारात लेकर ही आ गए, आपने तो जाने क्या समझ लिया। तो इस नागरता की राशि में तो ऐसे ही बरबस कियो चितय मुख मोरी। और यहां ये दशा है, वेणु करान निपतित है स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनम। नागरता की राशि किशोरी, नागरता की राशि किशोरी, नागरता की राशि किशोरी, नागरता की श्री किशोरी। देखो भैया काउवे गानो आवे न आवे, अरे हिरजी महाराज की वाणी है, सबको आपको गान करना चाहिए। यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। Thank you.
Yeah.